हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। आज मैं टॉपिक देख रहा हूँ फाइंड स्क्वायर और ट्राइंगल्स। आज के लेक्चर में ट्राइंगल्स को डिस्कस कर लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर्स को डिस्कस कर लूँगा। मतलब फिगर काउंटिंग एक तरीके से, इसी को कई बार बोलते हैं फिगर काउंटिंग, है ना, फिगर को काउंट करना। ये सॉरी, इसी को कई बार बोलते हैं फिगर काउंटिंग। ओके, चलिए एक एक चीज़ों को एकदम क्लियर रखना अपने लिए। नाउ कैसे क्वेश्चंस होते हैं फिगर काउंटिंग की, कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत क्विकली आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो इस सेशन में हमारा आ रहा है तो इसको सोचा मैं जरूर डिस्कस कर लूँ। तो अगर बात करोगे, लगातार मैं सीरीज में चल रहा हूँ रीजनिंग के, लगातार सीरीज में चल रहा हूँ जी, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे, बोलेगा कितना ट्राइंगल्स है, इसमें कितना ट्राइंगल्स है, इसमें कितना ट्राइंगल्स है, इसमें कितना ट्राइंगल्स है, है ना। तो ट्राइंगल्स कैसे फाइंड आउट करें, इनकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। बहुत क्विकली आप कह सकते हो, विद इन अ 5 सेकेंड आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, है ना। हालांकि ज़्यादा भी टाइम कई बार लगता है, ये तो बोलने की बात होती है। चलिए आइए मैं बात कर लेता हूँ, पहले समझिए तो चीज़ें आसान हो जाएगी। हमने कई फिगर्स लिए यहाँ पे, है ना, फिगर हमने कई लिए हैं, 1, 2, 3, 4। आपको पहला सब पैटर्न के, जितने पैटर्न होंगे सारे पैटर्न क्वेश्चन में करा दूंगा। इसको मैंने एज्यूम किया कि मान लो इस टाइप के क्वेश्चन को पैटर्न अगर हमने 1 नाम रख दिया, ये अपनी मर्जी की बात है, है ना। तो हमने इसको 1 पैटर्न माना, इसमें कितने ट्राइंगल्स है ये आपको पता करना है। और 1 उस पैटर्न को माना जो वर्टिकल कट कर रहा हो, किसी ट्राइंगल को वर्टिकल कट कर रहा हो। ये कैसा कट कर रहा है जी, वर्टिकल कट कर रहा है, है ना, ऐसा वाला हमने देखा। तो ऐसे वाले में देखिए, बड़ा सिंपल है सर, इसमें ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी सर, 1, है ना, 1 दिख ही रहा है। चलिए इसमें ट्राइंगल सर बांट दिए हो तो कितना दिखेगा फटाक से, बहुत आसान अगर बना दो ना तो बच्चे को और आसान लगता है। सर फटाक से 2 भी जवाब दे देता बच्चा कई बार, तो यार ध्यान से देना है जी जवाब आपको, ठीक है ना। सर यहाँ पे एक तो ये खुद ट्राइंगल्स है, है ना, ये देखेंगे, एक ये खुद ट्राइंगल्स है, दूसरा ये बेचारा ट्राइंगल्स है अपने आप में, 2 भी हो गए, तीसरा एक और ट्राइंगल्स है सर, ये दोनों को मिला के एक तीसरा ट्राइंगल्स है। तो टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी, 3। टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी, 3, है ना, टी इजक्वल टू 3, मतलब टोटल ट्राइंगल्स की संख्या बता रहा हूँ ना। नेक्स्ट, अब क्या सर जब ऐसे आएगा तो क्या ऐसे ही काउंट कराओगे हमेशा, हम कहेंगे नहीं, आगे ऐसा काउंट नहीं कराएंगे जब, क्योंकि वर्टिकल कट्स अगर आपके बढ़ने लगे तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा कट्स बढ़ने लगे तो इसके नॉर्मल लॉजिक है। 2 तरीके हैं, समझते हैं इसको, जब भी आपको सॉल्व करना होगा कैसे सॉल्व करिएगा। एक तो ये तरीका है, सबको जोड़ दीजिए, 1 को 2 को 3 को 4 को टोटल जोड़िए, कितना होगा, 4 3 7 2 9 1, 10 ट्राइंगल्स इसके अंदर जी। ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर बात करूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो यहाँ पे 10 मिलेंगे, आंख बंद करके 10 जवाब देना आप, हम प्रूफ भी कराएंगे जी, एक तरीका ये। और दूसरा मेथड और भी है जी, दूसरा भी मेथड है, क्या करना है, जो कितने कट्स है जी, 1 2 3 4, टोटल 4 कट्स है 4 सेक्शन में। तो एक ट्रिक और ध्यान रखना, n इंटू n प्लस 1/2, ये भी बताता है कि कितने टोटल ट्राइंगल्स है। सर कैसे बताऊं, इससे कैसे पता चलेगा, तो n कितने कट्स हुए, 4 इंटू 1 बढ़ाइए 5/2, 5 20/2 क्या हो गया, 10 ट्राइंगल्स हुआ कि नहीं। तो ये भी तरीका आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे n क्या माना सर, n क्या है, नंबर ऑफ कट्स, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कटिंग सेक्शन, 1 2 3 4, लकीर मत गिन लेना, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। देखो ट्रिक्स तभी बेनिफिशियल है जब ट्रिक के बारे में सब कुछ पता हो, है ना, अधूरा ज्ञान होगा तो वो गड़बड़ कर देगा। नंबर ऑफ कट, कटिंग लाइन नहीं, कटिंग सेक्शन कर देता हूँ, कटिंग सेक्शन। ओके, चलिए अगर इस फिगर की बात करूं तो कितने, 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली कितने ट्राइंगल्स होंगे अब बताने की जरूरत नहीं होगी। फिगर मतलब पहले टाइप में आपको पता चल गया, तो सर यहाँ पे सीधे ट्राइंगल्स अगर आपको पता करना है तो सीधे क्या करूँगा, 5, और उसको 1 बढ़ा के गुणा कर दूँ, 2 से भागा दे दूँ,
तीस बटा दो, 15 ट्राइंगल्स है, कितने जी 15 ट्राइंगल्स आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे वर्टिकल कट में आराम से निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी, है ना। ठीक है विनोद, क्लियर है। चलिए नौ, अगर मैं बात करूं इस फिगर की बात करूं तो दूसरा टाइप अब क्या है, जो हमारा वर्टिकल कट था उसके जगह पे हमने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल कट्स, और कुछ मिक्स पैटर्न भी है, एक है हॉरिजॉन्टल कट एक है मिक्स पैटर्न। तो आइए मैं पहले हॉरिजॉन्टल कट की बात करूं फिर मिक्स पैटर्न की बात कर लूंगा। अगर मैं आपको समझा दूं कि देखिएगा, यहां मैं एक लाइनिंग खींचता हूं, ये मैंने लाइनिंग खींचा, आपको ना एक हॉरिजॉन्टल टाइप एक और ऐड कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा जी, यहां मैं एक और टाइप ऐड कर देता हूं, इसको मैं कह दूं टाइप टू, यहां हो ही गया टू, एक कर देता हूं, एक एडिशनल टाइप हो गया। अब समझिए, पहले मैं बात कर लेता हूं टाइप टू में, अब हॉरिजॉन्टल कट किसकी, हॉरिजॉन्टल कट, समझना एकदम बारीकी से जी। हॉरिजॉन्टल कट में मतलब सर, यानी कोई ट्रायंगल हो और उसमें कट्स कुछ इस तरीके से दिया हो, तब आपको पता करना हो, और भी लो ट्रायंगल्स लो और कट्स इस तरीके से दिया हो, तब पूछेगा आपसे कितने ट्रायंगल्स है। तो ध्यान रखिएगा, जितना कटिंग सेक्शन होंगे आपके सेगमेंट में टोटल, वही उसके ट्रायंगल्स की संख्या होगी। क्या बोला सर आपने, जितने कट सेक्शंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन ये है दूसरा ये लाइन, इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे जी, दो ही ट्रायंगल बनेंगे, कितने दो, एक ट्रायंगल ये रहा, अरे वेट अ सेकंड, एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। तो दो ही ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की संख्या सर कितनी, दो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो कितने हैं, उतने ट्रायंगल्स की संख्या। इसमें कोई बोलेगा कितने ट्रायंगल सर, एक दो तीन चार, कितने लाइंस है सर, चार लाइंस, अगर फोर हो गए ना हॉरिजॉन्टल, तो ट्रायंगल्स की संख्या भी कितनी होगी, फोर ही होगी, कितनी होगी जी, फोर। तो ये भी एक एक वर्टिकल कट का एक टाइप बना लिया, तो हॉरिजॉन्टल कट का भी एक टाइप हो गया जी, है ना। चलिए अब मिक्स पैटर्न टाइप थर्ड क्या कर रहा हूं, मिक्स, मिक्स्ड मतलब सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कट्स हैं, यदि वर्टिकल कट भी है हॉरिजॉन्टल कट भी है, वर्टिकल कट भी है हॉरिजॉन्टल कट भी है, वर्टिकल कट भी है हॉरिजॉन्टल कट भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बात करूं कि कैसे सॉल्व करना है जी, है ना। इसके लिए फिगर, अगर मैं इसको वन मान लूं, इसको फिगर टू मान लूं, इसको फिगर थ्री मान लूं, फिगर थ्री मान लूं, है ना, फिगर थ्री मान लूं, है ना, इसके लिए फिगर ए मान लूं, इसके लिए फिगर बी मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अगर सर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो कितने ट्रायंगल्स होंगे ये पता करना है। तो आपको पता है जो हमने लास्ट टाइम देखा था ये, कि वर्टिकल जब कट होता है तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, हमने देख लिया तीन बनते हैं, एक बीच में कट था, सेक्शन कितने थे दो, तो उससे बने कितने थे, तीन। आइए ऐसा ही लॉजिक आपको दिमाग में रखना है जी, एक ये समझो कि वर्टिकल अगर कट कर रहा है तो वर्टिकल कट में इसमें एक और दो कितने बने, यहाँ पे एक और दो सेगमेंट बने हैं, तो इसके कारण कितने बनेंगे, तीन। और जोड़ यहाँ भी देखिए, ये भी एक ही एक लाइन है, इस पर भी एक वर्टिकल कट है, तो इससे एक और दो, तो इसके भी कारण कितने बनेंगे जी, तीन इसके कारण भी बनेंगे, तो टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, छः। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक लास्ट वाला में बच्चा को मैंने ये भी बोला था, प्रूफ जो मैंने ट्रिक दिया, क्या वो प्रूफ हो गया क्या, एक सेकेंड के लिए आइए, मेरे दिमाग में अभी आया। आइए, क्या हमने बताया कि ये तो ट्रिक लगा दिया सर, अब किसी ने ट्रिक भूल गया तो तीन चार तक भी काउंट कर सकता, मान लो भूल ही गया, दिमाग से उतर ही गया, तो क्या करें सर। तो एक ऑप्शन तो है कि काउंट कर सकते थे, एक दो तीन चार, चार तो ऐसे हो गए जी। अब देखिएगा, इस दोनों को मिलाने से एक बनेगा ना, एक ये भी ट्रायंगल है पाँच, इन दोनों को मिलाने से एक ये भी बनाना छः, इन दोनों को मिलाने से ये भी बनाना सात, वाह सात हो गए। अब देखें, इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा ना आठ हो गए, ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल है कितने हो गए, नौ हो गए, है ना। अब इन दोनों को मिलाने से बनाना एक दस हो गए। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल्स क्या कर सकते हो, आराम से बन निकाल सकते हो सर, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही आगे भी होगा,
नौ। सिमिलरली अब मिक्स पैटर्न से सर हमने निकाल लिया, छः निकला। सिमिलरली यहाँ तीन कट दे दिए ना, लेकिन वर्टिकली कितना था पहले देखे, एक दो तीन चार। अगर इस लाइन के कारण देखूं कितने ट्राइंगल्स होंगे, कैसे वाला, ऐसे वाला, एक ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स, तीन ट्राइंगल्स। तो सर इसके कारण अगर मैं देखूं तो चार गुना एक, मतलब चार गुना एक एडिशनल पाँच, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू हो गया सर। जोड़ और जोड़िए, अब इसके कारण कितने, इसमें कितने सेगमेंट है, एक दो तीन चार। सर यहाँ भी तो चार चार सेगमेंट ही है, तीन चार। तो आराम से जितना ये निकला उसको गुना कर दीजिए तीन से, तो और कहीं जाना नहीं, और कहीं जाना नहीं है ना। जितना भी ये वैल्यू निकला है उसको गुना करिए तीन से। क्यों तीन से, क्योंकि एक सेक्शन का निकला दूसरे सेक्शन का वही होगा तीसरे, क्योंकि सब में चार चार का ही कटिंग सेक्शन है जी। तो कितना हो गया, पाँच चौक बीस बटा दस गुना तीन बराबर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या थर्टी। ये जी और आंसर, थर्टी इज योर आंसर। क्लियर है जी, क्लियर है। नाउ अगेन अगर यहाँ देखूँ, एक दो तीन चार पाँच, एक सेगमेंट का निकल गया तो सिमिलरली दूसरे सेगमेंट का भी निकलेगा, है ना। सबका सेम निकल रहा है जी, सबका सेम निकल रहा है, लेकिन और ट्रिकी आएगा। अभी आइए, इसके बाद और ट्रिकी आएगा। ओके तो यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। तो एक सेगमेंट के कारण सर कितना आएगा, तो मैं तो कहूँगा पाँच गुना एक बढ़ा के छः बटा दो निकालिए पहले। कितना हो गया, तीस बटा दो पंद्रह निकल गए, है ना। कितने पंद्रह, इस पंद्रह को कितने से गुना करना जी, एक ये भी है, टोटल तीन है जी। सो टोटल कितना, फोर्टी फाइव। कितने ट्राइंगल्स की संख्या, फोर्टी फाइव इज योर आंसर, फोर्टी फाइव इज योर आंसर। ओके तो इस तरीके से जी आप आराम से कर सकते हो, इस तरीके से आप इसके आंसर एकदम बढ़िया समझना जी। एक ही बार तो वक्त देना है, बढ़िया से देना, ठीक है। सो ये आपने इसके भी मिक्स पैटर्न देख लिए दोनों के। अब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ही लाइनिंग कटिंग हो, देखिए कैसे आपको परेशान कर सकता है, कि कुछ ही कटिंग हो, चलिए कुछ ही कटिंग हो। जैसे कि ये तो आपको दिख गया सर, इसका भी निकल जाएगा, है ना। ये टाइप थ्री का भी हाउ मेनी ट्राइंगल्स पूछा है, आराम से निकलेगा। डिफरेंट क्या है, ये अगर ऐसा दे दीजिए, ऐसा दे दिया जाए तो मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है, बाकी इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, छः तो बने। तो सर कितना सेगमेंट है, एक दो तीन सेगमेंट में, तो छः गुना सात बटा दो गुना तीन सेगमेंट का कर दो, तो कितना हो गया, साक्षक बयालीस इक्कीस या तिरसठ। कितने ट्राइंगल होंगे जी, तिरसठ, सिक्सटी थ्री ट्राइंगल्स होंगे। ओके जी, अब यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल हो जाएगा सर, इसमें क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः जी। इसके कारण तो आपको पता है, छः गुना सात बटा दो कर दें तो मामला निकल जाएगा ना। कितना निकलेगा, इक्कीस निकलेगा सर। कितना, इक्कीस। ये तो बेस का हो गया। अब एक दो के कारण, ये दो के कारण कितना बनेगा सर, दो के कारण कितना बनता है, तीन ट्राइंगल्स। दो के कारण कितना बनता है जी, ये दो के कारण मतलब जिस पे दो सेगमेंट में कटे हो, दो सेगमेंट बने हो, तो उसमें कारण अब यहाँ पे ऐड करते चले जाइए सर। इसमें कितने, इसके कारण कितने, दो ट्राइंगल्स। अब इसके कारण यहाँ से यहाँ तक है बना हुआ, एक दो तीन, टोटल कितने सेगमेंट जी, तीन। इनके कारण भी तीन बनेंगे, तो तीन ही नहीं बनेंगे, ये तीन सेगमेंट है, तो कितने बने उनके कारण, तीन गुना चार एक बढ़ा के, तीन गुना चार बटा दो। और क्या जुड़ेंगे जी, ये वाला सेगमेंट भी जुड़ेगा, एक दो तीन चार, चार के कारण कितने बनते हैं जी, चार गुना पाँच बटा दो। टोटल ट्रायंगल काउंट हो रहा है ना, इक्कीस प्लस दो तेईस, यहाँ पे इक्कीस प्लस दो तेईस, इक्कीस प्लस दो तेईस। ओके अब इसमें देखो, चार तीन बारह प्लस छ हो गया ना, छ प्लस यहाँ पे कितना होगा, बीस बटे दस, कितना होगा जी, तेईस छः उनतीस दस उनचालीस, थर्टी नाइन इज योर राइट आंसर, थर्टी नाइन इज योर राइट आंसर। ओके तो इस तरीके से आप आराम से
ट्राइंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल्स के और भी टाइप हैं जी, ट्राइंगल्स के और भी टाइप है सर, है ना, और भी टाइप्स हैं, आइए बता रहे हैं जी फटाफट, ट्राइंगल्स को एक ही में निकाल लेते हैं, इसीलिए समय कम लगे, पहले से मैंने डायग्राम आपके ले लिया ताकि वक्त की सेविंग हो। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि फालतू बातों में उलझने से अच्छा है कि कम टाइम में बेहतर आउटपुट लिया जाए। अगर मैं यहाँ देखूँ कि फोर्थ का क्या है सर, यहाँ पर ट्राइंगल तो काउंट कर लेंगे, क्या ट्रिक क्या जमेला रखेंगे जी, सिंपल एक ट्राइंगल्स, कलर चेंज कर दे, एक दो तीन चार, चार तो सर ऐसे ही दिख रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला भी तो दिख रहा है ना, एक ये बड़ा वाला भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या अगर बोला जाए तो कितने हैं जी, पाँच। ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, पाँच। चार तो ऐसे ही दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल्स, पाँच। ओके नौ, अब बात मैं कर लूँ यहाँ पे सर, अगर क्या हो ऐसे ट्राइंगल्स हो, मतलब एक बड़ा ट्राइंगल्स फिर दो लाइन और ऐसे खींच दे, तो ऐसा सिमेट्रिक टाइप के ट्राइंगल्स अगर दिखे तो कैसे करें। तो देखिए काउंट करने बैठेंगे ना तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाएगा, काउंट करने ऐसे बैठोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो कैसे करें सर, इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक का फाय सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ट्रिक्स कैसा कि एक ट्रिक्स यहाँ पर बनता है जी, ट्रिक्स यहां पे बनेगा, टू क्रॉस बेस का स्क्वायर माइनस फाइव, मामला क्लियर हो जाएगा जी। ये ट्रिक ध्यान में रखना, टू क्रॉस बेस, बेस किसको बोल रहे हैं जी, ये बेस है एक दो तीन, कितने बेस है जी इसके, तीन। अब इसमें कोई ट्रायंगल्स पूछेगा यूनिफॉर्मली ऐसे बनाओ, पहले एक ट्रायंगल बन रहा हो फिर तीन बन रहा हो फिर ऐसे पांच बन रहा हो, तो इस तरीके से अगर बनता हो ट्रायंगल्स तो कभी कभी सीधे बेस को देखिए कितने बेस में बने हैं, तीन बेस में, तो सीधे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। तो टू, ट्रिक्स क्या कह रहा है यहाँ पे दी, ट्रिक्स क्या कह रहा है, टू इंटू बेस का स्क्वायर, टू इंटू बेस का स्क्वायर, ग्रीन कलर दे देता हूँ, टू इंटू बेस का स्क्वायर, ये मामला पूरे ही किसी को रिपीट कर दो तो वो चीज़ें, ये लो दो अच्छे दे देता हूँ, टू इंटू बेस का स्क्वायर। ओके टू इंटू बेस का स्क्वायर दिख रहा होगा, बेस का स्क्वायर क्या है जी, बेस का स्क्वायर सर क्या है, बेस तो है टोटल तीन, तो तीन का स्क्वायर माइनस पाँच कर दीजिए, है ना। एकदम छोटे के लिए ऐसा ट्रिक मत लगाइएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ट्रिक तभी वैलिड है जब आपके ट्रायंगल्स का बेस दो से ज़्यादा हो, ट्रायंगल का बेस दो से ज़्यादा हो, दो पे तो ये देखो दो बेस में तो नहीं लगेगा, फिर आप माइनस पाँच ही कर दोगे तो मामला कहाँ चला जाएगा, तो इस पर नहीं लगेगा, ये ट्रिक यहाँ पर लगा के तो क्या होगा, तीन तीन नौ दुनिया अट्ठारह माइनस पाँच कितने हो गए जी, तेरह ट्रायंगल्स यहाँ पर बनेंगे, काउंट करके देख लीजिए तेरह ही बनेंगे जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ तो यहाँ हो गए। अब देखिए नौ के बाद ये बड़ा वाला दस हो गए, है ना, ये बड़ा वाला कितने हो गए दस, अगर आप देखोगे तो सर ये बड़ा वाला है ये दस हो गए, और बड़ा वाला है सर, और भी बड़ा तो है, ये ग्यारह हो गए, अब कहाँ सर और बताओ, ग्यारह हो गए। अब देखिए ये भी तो ट्राइंगल्स बना रहा है, ये भी तो ट्राइंगल्स बना रहा है, बारह हो गए, ये भी तो ट्राइंगल्स बना रहा है, तेरह हो गए, है ना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जी, ठीक है ना। अब ये तो आसान हो गया, अब ये तो आसान हो गया, चाहे कोई काउंट करेगा नहीं करेगा, वन सॉरी टू थ्री फोर, कितने बेस हो गए जी, चार, कितने बेस में बढ़ रहे हैं, ये हमेशा किसका ध्यान रखना है, बेस का, किसका, बेस का, इस सेगमेंट में देखिए, चाहे इधर एक दो तीन चार करने वाला इधर भी कर लेते हैं, सो बेस की बात करें, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो इधर से भी सिमेट्रिक है सब तरीके से, तो बेस की बात करें तो क्या होगा, ट्राइंगल्स की संख्या सर एन सॉरी टू क्रॉस चार का स्क्वायर माइनस पाँच, चार चौक सोलह दुनिया बत्तीस माइनस पाँच सत्ताईस ट्राइंगल होंगे जी, यहाँ कितने ट्राइंगल्स होंगे सत्ताईस। अब देखिए देख के ही लग रहा है कितना सारा भर दिया है, तो बेस देखेंगे जी, एक दो, ओके अच्छे से कर देता हूँ छोटा कलर,
ऐसा कलर हो जो पता चले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल, इन्होंने ऐसा बेस दिखाया, यहाँ से भी बेस दिखा दिया, 8 ही पे मामला पहुँच रहा है। तो क्लियर तो आपको पीला कलर ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, 8 है। तो सर बेस की बात अगर करूँ, यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करूँ, तो आसानी से यहाँ भी निकाले जा सकते हैं। सर क्या करूँ, 2 गुना बेस कितना, 8 का स्क्वायर माइनस 5, 8 का स्क्वायर 64 है ना, 64 गुना 2 128 में से 5 गया तो कितने बचे जी, 123 ट्रायंगल्स से, है ना। कभी कभी रेयरली देखने को मिलेगा, एसएससी नॉर्मल सीजीएल वगैरह में तो ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जेई में कम देखने को मिलेगा, है ना, आरआरबी जेई सब में भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। सो चूंकि रीजनिंग का पार्ट है तो इसको अच्छे से कवर एक बार कर लेते हैं, कुछ तो है नहीं सर, एक घंटा भी नहीं लगने दिया आपने, तो आधा घंटा लगने दिया है ना, तो कोई बड़े सरदर्दी भी नहीं है, है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ रीजनिंग के तो कुछ है ही नहीं, आपको फ्री के मार्क्स हमेशा मिलते हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे आउटकम ज़्यादा मिल जाता है, समय भी बचा देता है, आउटकम भी अच्छा मिलता है, कॉन्फिडेंस से रिजल्ट भी मिलते हैं इसके। ओके चलिए, सो यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, देख लो जोड़ घटाओ, कहीं कहो मास्टर अब यहाँ तो मैं कर दिया, और बच्चे वहाँ पे कमेंट में लिखते रहेंगे, वहाँ बच्चे कमेंट में लिखते रहेंगे चीज़ों को, है ना। सर यहाँ तो 5 होगा, एक एक जोड़ में फंस, अगर कहीं जोड़ में एक का अंतर हो गया कहीं, हाँ सर इतना होगा, पूरे कमेंट तब तो भर जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस, इस टाइप के पैटर्न से भी आपको ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं जी, इस टाइप के क्वेश्चन से भी ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं। आइए तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक होमवर्क भी लास्ट में दूंगा, टाइप 5 माना है मान लो इसको मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा, एक ऐसा मान लो, ऐसा मैं किया तो कितने ट्रायंगल्स, सर अगर मैंने किसी स्क्वायर को ऐसे दो भागों में कट कर दिया तो सर एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, और कोई ट्रायंगल्स तो है नहीं, टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी, 2, लाइनिंग कर दिया 4, लाइनिंग किया 4, तो 1, 2, 3, 4, सर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, आप यहाँ ट्रायंगल्स की संख्या देखो, 4 तो ऐसे ही हो गए, फिर एक ये वाला ट्रायंगल्स, एक ये वाला ट्रायंगल्स 5, एक ये वाला ट्रायंगल्स 6, और बात करूँ एक ये वाला ट्रायंगल्स 7, एक ये वाला ट्रायंगल्स कितने हो गए, 8 हो गए ना, तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, 8। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट अब क्या है, देखिए अब और एक लाइन बढ़ा दिया, ये जो 4 था ना, 4 एक क्या, अब दो दो लाइन बढ़ा दिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ट्रिक अब आने लगेगा, क्योंकि अब ट्रायंगल्स को गुना नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या ट्रिक है सर, कि सर जब इस छोटे को छोड़ दीजिए, जब क्रॉस बनने लगे तो टोटल कितना है, 4, तो 4 में गुना 2 से करिए तो ट्रायंगल्स बन जाएगा 8। कितने सेगमेंट बटे हैं, 4 सेगमेंट, कितने सेगमेंट में सर, 4, उसको गुना 2 से कर दीजिए 8, अब कितने सेगमेंट बने हैं जी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सेगमेंट बने, कितने ट्रायंगल्स होंगे, 8 गुना 2 16, तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी आपके, 16, गिन जोड़ लीजिए आप आराम से, आपको 16 ही मिलेगा जी, है ना। नेक्स्ट, अब दो ऐसे को ऐड कर दिया गया, तो दो ऐसे को ऐड करते ही बच्चा कहेगा 8, इसका 8 था तो 2 ऐड किया 16 हो गया, लेकिन आंसर गलत है जी, 2 को ऐड कर दिया आपने तो इसका आंसर गलत है जी, है ना। चलिए गलत है तो सर क्या करें, गलत है तो इसको क्या करें जी, अगर गलत है तो इसके लिए आपको कुछ सुधार करनी होगी, सीखनी होगी। सर क्या है देखिए, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो टोटल इसके कारण 8, इसके कारण 8, अब जब दोनों ज्वाइंट किए गए, दो सेपरेट थे तो 8, 4, 4, 8, 8 निकला, लेकिन जब दोनों ज्वाइंट किया गया तो कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला तो ये और दूसरा सर ये, है ना, दो एडिशनल हो गए ना, तो कहीं ना कहीं यहां पर दो का एडिशनल जोड़ करना पड़ेगा आपको, ये जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने, और 16 2 18 ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स की संख्या यहां पे कितनी होगी जी, 18 ट्रायंगल्स इज योर आंसर। अब तो कर ही लोगे, अब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना,
है ना। चलिए जी यहां से देखिएगा सर, इसके तो बनेंगे आठ, इसके भी बनेंगे आठ, इसके भी बनेंगे आठ। अब क्या लॉजिक है, इसके कारण बनेगा दो, इसके कारण कितने बनेंगे सर, दो। पहला ये और दूसरा ये। सर दो तो यहां पे ऐड हो ही जाएगा, है ना। चलिए अब सर इसके इसके कारण कितने बनेंगे, ये देखिए कलर चेंज कर लेता हूं सर। अब इन दोनों के कारण कितने बनेंगे, एक और यहां से एक, तो टोटल कितने हो गए, दो और जुड़ जाएंगे, दो और जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितना हो गया जी, आठ तेरे चौबीस, चार अट्ठाईस, कितने ट्राइंगल्स की संख्या होगी, 28 इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, 28 इज योर राइट आंसर। चलिए बिल्कुल यहां तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग दो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, आप लोग दो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ये आपका होमवर्क है। यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर देता हूं मैं 10, सपोज दैट, हालांकि 10 से ज्यादा ही हो रखा है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 10 देता हूं, 10th क्वेश्चन देता हूं जी। क्या क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद ना बना पाए तो फिर बताऊंगा मैं कब, ये भी एक बड़ा समस्या हो जाएगा। चलिए आई होप सो बता दोगे, आई होप सो बता दोगे। कितने ट्राइंगल्स हैं जी, कितने ट्राइंगल्स हैं आपसे पूछेगा, तो काउंट करना है, यहाँ पे काउंट कर लेना। मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सर ये तो फिगरे अलग अलग साफ बना दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये बेस मानोगे ना इसको, तो एक और दो, है ना, इसको भी अगर बेस मानोगे तो एक और दो, ध्यान से, इसको भी अगर बेस मानोगे तो क्या हो गया, एक और दो। और जिसको अपन बेस मान लेते थे ना, जिसको अगर बेस मान लेता एक और दो, तो इसके कारण कितने ट्रायंगल्स बनते थे जी, तीन, है ना। इनके कारण एक और दो भागों में बांटा तो कितने बनेंगे, क्योंकि दो प्लस एक तीन, ऐसे ही तो ट्रिक था, या एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो तीन इसके भी ट्रायंगल बनेंगे, तीन इसके भी बनेंगे, तीन तीन नौ, कितने हो गए जी, नाइन, तो ट्राइंगल्स की संख्या तो यही होगी। क्या यही आंसर होगा, नहीं सर, एक ये भी है, कितने हो गए जी, एक और जोड़िए सर, नौ। यहाँ तो इंडिविजुअली आप सब जुड़ गया, एक बड़ा वाला भी है, तो कितने हो गए सर, 11 ट्राइंगल्स इज योर आंसर। हो सकता था कि फंस जाते, मैं सोचा बता ही दूँ, एक क्वेश्चन आपको दे के छोड़ता हूँ, आप बताएंगे उसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन मतलब आपको देता हूँ जी, है ना, आप बताएंगे इसमें हाउ मच ट्राइंगल्स इज देयर, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, हाउ मच ट्राइंगल्स इज देयर। ओके, हाउ मच ट्राइंगल्स इज देयर, ओके, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, ओके। आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जी कमेंट करेंगे, ओके, चैनल्स पे कमेंट करेंगे, जो ऐप पे देख रहे होंगे वो तो कमेंट नहीं करेंगे, वो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइंड द ट्राइंगल्स, हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।